पर एक सवाल है जुबिलेंट फूड के बारे में। गौरव सलूजा जी पूछ रहे हैं लखनऊ से कि ये लंबी अवधि के लिहाज से कैसा रहेगा, कब बढ़ेगा ये? इनका जो खरीद भाव है 550 रुपए का है, 70 शेयर इनके पास है। ओके, गौरव जी, ये इसका लास्ट लेग का करेक्शन है। अब लास्ट लेग का करेक्शन प्रीवियस लो पे खत्म हो जाएगा, उसके पहले खत्म होगा या उसके नीचे जाके आएगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब स्टॉक बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे हमेशा ट्रेड करते आए हैं और इस कारण से इनका वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, इनके अर्निंग्स में कोई इशू नहीं है, इनका अर्निंग्स होता रहेगा क्योंकि हम सब पिज्जा खाते रहेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे और प्लस ये इनोवेटिव मॉडल्स लगा रहे हैं। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ से एक चीज पक्का है कि इसमें ये लास्ट लेग का करेक्शन हमें वेट करना चाहिए खत्म हो जाने का। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इतना जरूर दिखता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे डेड कैट बाउंस होगा बिकॉज ओवरसोल्ड होने की तरफ जा रहा है। डेड कैट बाउंस होगा भी तो भी कहाँ तक, शायद 515 के आसपास तक या 525। ओके जी, और उसके बाद इसमें थोड़ा डिसीजन लेना बेहतर हो सकता है, उसके पहले नहीं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेंड अभी भी बेरिश है। रिजल्ट का वेट कीजिए, अगर रिजल्ट मीट एक्सपेक्टेशन भी होता है तो भी इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नहीं रहेगा। अपसाइड आने के लिए इसमें बहुत टाइम है, इवैल्यूएट करेंगे, पहले 525 तक देखते हैं, उसके बाद री इवैल्यूएट करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है। फिलहाल डाउनवर्ड स्ट्रक्चर जो है इसका खत्म नहीं हुआ है, क्लोजर टू सपोर्ट है, क्लोजर टू ओवरसोल्ड है, तो एक टेम्पररी बाउंस बैक पॉसिबल है जी। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि पिछले बॉटम के पास जा करके रुकेगी ये गिरावट या पहले रुक जाएगी, ये अभी देखना है। तो 450 अभी तो जिस तरह से ये गिर रहा है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रेन है जिसको पता है कि अपना अगला स्टेशन कहाँ पर है और वो स्टेशन सीधे 450 के आसपास कहीं दिखता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये जो है ना, क्योंकि अगर 450 गया तो सही चीज नहीं होगी इसके लिए, नॉर्मली नहीं जाएगा, लेकिन अगर गया तो अच्छी चीज नहीं है बिकॉज फिर आप इसका एक नया पर जाकर के ये 450 पर जाकर के ये वापस सपोर्ट लेता है तो ये भी तो संभव है ना कि एक बड़ा सा डब्ल्यू स्ट्रक्चर बन जाए डबल बॉटम के साथ। बिल्कुल बन सकता है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका उसमें यही रहेगा कि देखिए ये स्टॉक एक समय में आप 100 पी के ऊपर ट्रेड कर चुका है, वहां से पी कॉम्प्रेशन इसका चल रहा है। मतलब यही है ना कि जो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल डिमांड एक्सपेक्ट की गई थी वो एस्ट्रोनॉमिकल डिमांड नहीं आ रहा, यही है। और यही सारे न्यू एज कंपनी में जो होगा, ऐप बेस्ड कंपनी में सब में यही होगा, जितना एस्ट्रोनॉमिकल डिमांड एक्सपेक्टेड है कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, इसका वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन 20-30% डाउन तक हो सकता है। और इसलिए अगर 450 जा रहा है तो ये बताएगा कि और वैल्यूएशन कंप्रेशन होगा, वो या तो फिर 450 भी टूट जाए, मतलब वहां पे सपोर्ट ले ही नहीं, तब तो वो स्ट्रक्चर बहुत खराब बन जाएगा। और अगर 450 पर सपोर्ट लेता है तब तो फिर वो स्ट्रक्चर काफी अलग तरह का भी बन सकता है ना, बन सकता है। ये स्ट्रक्चर फ्रस्ट्रेट करने का होता है जो कि अच्छा होता है। क्या होता है कि आपका कंपनी प्रॉफिट बना रहे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके साथ हर क्वार्टर का ईपीएस अक्रू हो रहा है तो वैल्यूएशन कंफर्ट ही दे रहा है ना, इसलिए कहीं पे भी इसमें मेल्टडाउन होने का स्ट्रक्चर नहीं है। अब वो 450 पे जहाँ पे है यहाँ पे भी रुकेगा क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड जा रहे हैं, सपोर्ट है, लेकिन अब 525 के ऊपर दिखता नहीं है तो हो सकता है वहां जाके फिर से नया लेग शुरू करें। लेकिन जो भी है ये लास्ट लेग है, अब वो लास्ट लेग छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, तो 450 या यहीं पे हो जाएगा अभी नहीं कह सकते जी। तो अभी फिलहाल जुबिलेंट फूड वर्क आशा तो कर सकते हैं कि कहीं पर रुकेगा, लेकिन 550 जो लेवल है इनका, ये तो वैसा ही लेवल खरीद करके बैठे हैं, मतलब जिसके ऊपर निकलने के बाद शायद थोड़ी आशाएं अच्छी बनेंगी, उससे पहले तो शायद ज्यादा कुछ आशा भी नहीं करनी चाहिए इसमें। नहीं, इन्होंने 550 पे खरीदा है जी, हाँ, तो वहां तक मिल जाए तो फिर थैंक यू बोल दीजिए, फिर उसके बाद रीवैल्यूएट कीजिए जी। चलिए, लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खरीदा हुआ है आपने, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा।